इस साल का पहला नॉर्ड आ गया है, लंबा नाम है OnePlus Nord CE 2 5G। जी हाँ, दिस इज ओनली माय पेट। ये जो पहले नॉर्ड CE आया हुआ था ना लास्ट ईयर, उसका ये सक्सेसर है। आज इसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। बट आई टेल यू व्हाट, देयर इज सम शिफ्ट समवेयर। OnePlus ना ऐसे लग रहा है कि थोड़ा उनका जो फोकस है मिड रेंज में, इट्स वेवरिंग। या बताने वाला हूं सब कुछ, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। ब्लैक बॉक्स नॉर्ड एंड सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एंड केस। ओके, ओह लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, द टीम, स्टिकर्स वगैरह हैं, नहीं स्टिकर्स नहीं है, मेंबरशिप कार्ड, रेड केबल क्लब, नॉर्ड के स्टिकर, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, क्विक स्टार्ट गाइड। आई डोंट नो हु रीड्स दैट, लेकिन हाँ वाह यार। ओके, बताने वाला हूं। लेट्स कीप दिस एंड ऑल राइट। इसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं है कुछ। 65 वॉट सुपर वूक चार्जर, वार्प चार्ज वगैरह कुछ नहीं, एंड दैट फेमिलियर रेड केबल। ऑल राइट, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड। हाँ, सिम कार्ड टूल भी आता है, वेरी नाइस टू होल्ड ना, अच्छा लग रहा है मुझे, पतला भी है, शाइनी हो गया इस टाइम, ग्लॉसी शाइनी, लुक एट दैट, वाओ। ओप्पो फाइंड का जैसे था वैसे ही कुछ है। आजकल बहुत सारे फोन्स विद दिस काइंड ऑफ कैमरा सेटअप आने लग गए, फ्यूज्ड है, दिस इज सिंगल, ऐसे जॉइंट नहीं है दोस्तों, लुक एट दैट, दिख रहा है आपको, ये देखिए OnePlus की ब्रांडिंग है, लेकिन ये ओप्पो का, ओप्पो के फोन जैसे दिख रहा है। बट इन हैंड फील जो है अच्छा है, स्क्रैच गार्ड आता है ऑलरेडी, 3.5mm जैक है, वाओ नाइस। अलर्ट स्लाइडर नहीं दिख रहा है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, हाँ सिम कार्ड ट्रे भी ऊपर की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, और सिम कार्ड ट्रे जो है ना दैट इज, ओह नाइस, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट आता है इस OnePlus Nord में, दैट इज अ रेरिटी, OnePlus के फोन्स में जनरली नहीं होता है एक्सपेंशन एक्सपेंडेबल स्टोरेज, बट इसमें है। दोस्तों वेट के बारे में बात करूं, अगेन अबाउट 180, प्रोबेबली लाइटर, probably 180 kahunga, 180 grams, let's see, I said probably lighter, main kehne wala tha 175 to 180, but nice 176.1 grams, very light, very good in hand feel hai, matlab aapke chote haath bhi honge zyada bada nahi lagega, case jo hai acche quality ki case aati hai, fits quite snugly, achhi case hai, I like the case, disclaimer आपके लिए करते हैं ये बात, दिस सेगमेंट ऑफ द अनबॉक्सिंग इज ओनली फॉर यू एंड द रेस्ट ऑफ द अनबॉक्सिंग इज ओनली फॉर यू। एज अ लुक एट दिस फोन्स, ये जो है ना, ये देखने के बाद इमीडिएटली पता चलता है कि भाई OnePlus का फोन है। अब उनका डिजाइन डीएनए थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर, डिजाइन अच्छा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं खराब है, इट इज गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट द फोन। दोस्तों ये जो है, ये 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है इसके अंदर, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो ठीक ठाक है, क्वालिटी जो है ना, आई डोंट नो, मतलब इट्स नॉट टॉप नॉच, इतना जरूर कहूंगा कि एकदम जो एमोलेड लगता है वैसे नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। जी हाँ, एंड बड़ा डिपार्चर है इस टाइम। पहला जो नॉर्ड सी आया हुआ था, इसका प्रीडेसेसर, उसमें 750 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर था। इसमें दोस्तों आपको डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर मिलता है, 5G प्रोसेसर है, दो इट इज नॉट 920, आई एम सरप्राइज्ड। दो वेरिएंट्स आते हैं इसमें, बेस वेरिएंट 6128 का है, एंड ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो है 8128। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइसिंग पता नहीं है, बट इट इज रूमर्ड 24,000 एंड 26,000 रुपीज। याद रखिए, सी जो है 23,000 से चालू हुआ था, दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24,000, तो उसी प्राइस रेंज में होगा। LPDDR4X RAM है, UFS 2.2 स्टोरेज है। अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं, 4,500 mAh की बैटरी, सेम बैटरी लाइक इट्स प्रेडेसेसर, लेकिन 65 वॉट चार्जिंग हो गया है, सो चार्जिंग फास्टर। ऑलराइट, मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, नॉट द बेस्ट एमोलेड आउट देयर, लेकिन कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, ऐसे नहीं है कि वॉश्ड आउट वगैरह, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं। मोनो स्पीकर दिया हुआ है, विच इज लाउड बहुत है। क्वालिटी मैं कहूंगा एवरेज इज, स्लाइटली बिलो एवरेज या फिर एवरेज कहूंगा, ओवरऑल डिसेंट एवरेज मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है, 3.5mm जैक आता है, yes, for multimedia. दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन OS 11 आता है इसके अंदर, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। अगेन दैट्स अ नेगेटिव। अभी इसी का जो सिस्टर ब्रांड है, अभी फोन जो उन्होंने लॉन्च किया था रियलमी का 9 Pro Plus, उसमें भी एंड्रॉइड 12 आता है, बट दिस वन इज गॉट एंड्रॉइड 11।
नॉट गुड, बट ऑक्सीजन ओएस है, यूनिफाइड वगैरह नहीं, ऑक्सीजन ओएस 11 आता है। सिक्योरिटी पैच लेकिन जनवरी का ही है एंड शायद अपडेट भी आपको अगले कुछ महीनों में मिल जाएगा। बट व्हाई एंड्रॉइड 11? आई नीडेड एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एक चीज, नॉर्ड सी जब आया था दोस्तों, तब एक ही बैंड था इसके अंदर 5G बैंड। अब ये डायमेंसिटी 900 है, OnePlus ने बताया नहीं है कि कितने बैंड का सपोर्ट है, बट ये रेनो 7 जैसा ही है, ओप्पो रेनो 7 दिया, उसमें कुछ 13 बैंड का सपोर्ट है, तो शायद 13 बैंड्स का सपोर्ट इसमें भी होगा, शायद, आई एम नॉट श्योर। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, सो दैट कनेक्टिविटी ऑप्शन आ जाए। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी आता है, वर्क्स वेरी वेल, एवरीथिंग गुड। कनेक्टिविटी में वैसे NFC भी है, सो दैट इज अ प्लस। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस। वैसे अंतुतु में इसका स्कोर 4,75,000 आता है। अगर डायमेंसिटी 920 के साथ कंपेयर करूं तो उसका 500,000 के थोड़ा ऊपर आता है, 5,00,000, 5,00,000, 5,000, सो 5-6% का बंप है इन 920। 900 में 475 स्कोर आता है। गेमिंग, एक्चुअल गेमिंग में भी मजा आता है, आई रियली लाइक्ड इट। क्यों? क्योंकि आप BGMI जो है वो HDR और अल्ट्रा पे खेल पाओगे, जो CODM है वो आप हाई एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे, और अगेन गेमिंग परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। डायमेंसिटी 900 हो या 920 हो, दे वर्क वेरी वेल। इनफैक्ट ऑल द डायमेंसिटी प्रोसेसर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सस्टेंड अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, दे आर स्टेबल प्रोसेसर हु गिव गुड परफॉर्मेंस, आई लाइक दैट। लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। जी हाँ, वो कैमरा मॉड्यूल बड़ा है, अलग दिखता है, डज नॉट लुक लाइक वन प्लस। इसमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप आता है। अभी जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल है ना, इट इज नॉट सैमसंग, इट इज नॉट सोनी, इट इज ओमनीविजन। और दोस्तों दैट शोज, ओमनीविजन का जो कैमरा है ना प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का, आई सी जस्ट एवरेज फोटोज, वेदर इट कम्स टू क्लैरिटी, डायनेमिक रेंज, स्किन टोन्स, कलर्स, सब देखोगे तो ऐसे लगता नहीं। इस प्राइस रेंज में, 25,000 के प्राइस रेंज में, देर आर मच बेटर कैमरा स्मार्टफोन्स, तो कैमरा इज डेफिनेटली नॉट अ हाईलाइट, इनफैक्ट आई विल से अ नेगेटिव। वैसे जो फोटोज आपने देखे स्क्रीन के ऊपर आपको कैसे लगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर मैं सेल्फी के बारे में बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है, जो अगेन एवरेज फोटोज ही कहूंगा दोस्तों, आई नथिंग मच टू राइट अबाउट अगर मैं OnePlus Nord CE 2 5G के कैमरास के बारे में बात करूं तो। और दोस्तों अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो बेसिक फीचर्स हैं, AI, हाईलाइट वीडियो वगैरह है, 4K 30fps ही है, जी हाँ 4K 60fps नहीं है, मैक्रो मोड है और एक्सपर्ट मोड है, तो ठीक ठाक ही कहूंगा दोस्तों ओवरऑल कैमरा। क्विकली बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कैमरा टू API का सपोर्ट है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स है, IP6 सर्टिफिकेशन नहीं है, एंड कलर्स के बारे में बात करूं तो दो कलर्स आते हैं, ब्लू एंड ग्रे। ये जो है दोस्तों ऑब्वियसली ब्लू, दिस इज नॉट ग्रे। यस, तो मुझे क्या लगता है OnePlus Nord CE 2 5G, आधा वीडियो तो सिर्फ नाम लेने में ही चला गया, लेकिन दोस्तों दो जो है चीजें, एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव कहूंगा दोस्तों मैं, वो है कैमरा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड डिस्प्ले कुड हैव बीन बेटर, जी हाँ इट डेफिनेटली कुड हैव बीन बेटर। तो यही दो चीजें, बाकी सब अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह डेफिनेटली इज क्वाइट गुड, फीचर्स वगैरह के मामले में भी इट इज ऑल गुड, बैटरी चार्जिंग वो भी अच्छा है, सिर्फ प्राइस, अगेन दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड 24-25 जो बेस वेरियंट है, अगर और भी सस्ता आता है देन इट विल बी गुड, क्योंकि 25,000 की प्राइस रेंज में अब दूसरे ब्रांड्स के बहुत अच्छे फोन्स आने लगे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी हैं। सो आप बताइए आपको ये OnePlus Nord CE 2 5G कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।